हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान टिप्स फॉर एवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही पौष्टिक फल सीताफल के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, सीताफल जिसे शरीफा या कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मीठा और स्वादिष्ट फल है जो सर्दियों के मौसम में मिलता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए रोजाना इसका सेवन करने से हमें अनगिनत फायदे होते हैं। पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि सीताफल कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जिस वजह से उन्हें इसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता और कई बार तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि सीताफल खाने का सबसे सही समय क्या है, यानी सीताफल हमें किस वक्त खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। सीताफल खाने का सही तरीका क्या है, यानी हमें इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए, एक दिन में कितने सीताफल खाने चाहिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे सीताफल खाने से हमारे शरीर में क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं और अगर सीताफल का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे हमारे शरीर में क्या नुकसान हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीताफल के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, सीताफल में आखिर ऐसा क्या है जो इसे वंडर फ्रूट की श्रेणी में लाता है। असल में सीताफल पोषक तत्वों का भंडार है। यहाँ इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमें कई बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। सीताफल में पोटेशियम और फाइबर की काफी अच्छी मात्रा होती है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, मैग्नीस और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा सीताफल विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसलिए डेली सीताफल का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीताफल खाने का सबसे सही समय क्या है, यानी किस वक्त हम इसका सेवन करके भरपूर लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सीताफल खाने का सबसे सही समय सुबह खाली पेट माना जाता है। जी हाँ, अगर आप इसका सेवन सुबह के वक्त करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि ये हमारे पाचन शक्ति को मजबूत रखता है। पर इसके अलावा आप चाहें तो इसका सेवन सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद या फिर दोपहर के भोजन से 1 घंटे पहले भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ध्यान रहे, सीताफल हमेशा सूर्य ढलने से पहले ही खाना चाहिए। जी हाँ, यदि आप इसका सेवन सूर्य ढलने के बाद करते हैं, यानी शाम को या रात को खाते हैं, तो यह हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि सीताफल की तासीर ठंडी होती है और ठंडी तासीर वाले फलों से सर्दी, खांसी, जुकाम या घुटनों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि सीताफल खाने का सही तरीका क्या है, यानी किस तरह हमें इसका सेवन करना चाहिए। सीताफल में काफी मात्रा में बीज होते हैं, इस वजह से काफी लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, इसे खाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, सबसे पहले आप सीताफल के इस तरह से 2 टुकड़े कर लें और फिर स्पून की मदद से इसके पल्प यानी गूदे को छिलके से निकाल कर बीज सहित एक बोल में निकाल लें और फिर स्पून से पल्प को तब तक फेंटें जब तक सीताफल के बीज पल्प से अलग न हो जाएं। अब इसके बीज को पल्प से निकाल कर इसका सेवन करें। पर यदि आपको इसे इस तरह से खाना पसंद ना हो तो आप इसकी स्मूथी बनाकर भी खा सकते हैं। दोस्तों, इसको आप एक और तरीके से खा सकते हैं, मल्टी फ्रूट कॉम्बिनेशन में भी सीताफल का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पर एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, सीताफल खाने के बाद भूल कर भी पानी न पिएं, क्योंकि इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये तो हमने बात की कि सीताफल खाने का सही तरीका क्या है। आइए अब हम बात करते हैं कि रोजाना सीताफल खाने से हमारे शरीर में क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। सीताफल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो त्वचा से गंदगी दूर कर हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके अलावा सीताफल में विटामिन ए, विटामिन सी की काफी अच्छी मात्रा होती है जो हमारी त्वचा को सेहतमंद बनाए रखता है। इसलिए अगर आप डेली सीताफल का सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। सीताफल में बहुत से ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखता है। जी हाँ, इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा काफी अच्छी होती है जो हृदय के मसल्स को मजबूत बनाए रखता है। इसके अलावा सीताफल में विटामिन B3, विटामिन B6 मौजूद होता है जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर सीताफल हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में बेहद मददगार होता है। जी हाँ, इसका नियमित रूप से सेवन करने से हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा
सीताफल में पर्याप्त मात्रा में कॉपर और फाइबर होता है जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को इनडाइजेशन की समस्या हो यानी पाचन शक्ति कमजोर हो उनके लिए भी एक रामबाण इलाज है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो तो आपको सीताफल का जरूर सेवन करना चाहिए। जी हाँ, विटामिन सी और आयरन से भरपूर सीताफल अनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में काफी मददगार होता है। दोस्तों, सीताफल में मौजूद मैग्नीशियम शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस रखता है और साथ ही साथ जोड़ों में मौजूद एसिड को कम करता है, जिससे गठिया रोग दूर करने में काफी हद तक मदद मिलती है। विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर सीताफल हमारी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। जी हाँ, इसका नियमित रूप से सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा सीताफल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। फ्रेंड्स, रोजाना सीताफल का सेवन करने से बालों की समस्या से छुटकारा मिलता है। जी हाँ, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और कॉपर से भरपूर सीताफल बालों को मजबूत बनाए रखता है। इसके साथ साथ यदि आपको गंजेपन की समस्या हो तो नियमित रूप से सीताफल के बीज का तेल लगाएं, ये बालों की रीग्रोथ में काफी मदद करता है। ये तो हमने बात की कि सीताफल खाने के क्या फायदे होते हैं, पर दोस्तों सीताफल खाने का हमें पूरी तरह से फायदा तभी होता है जब हम इसे सही मात्रा में खाते हैं। तो चलिए बताते हैं कि दिन भर में हमें कितने सीताफल का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें एक दिन में कम से कम एक सीताफल खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 सीताफल का सेवन कर सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम डोज है। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा मात्रा में सेवन करना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, और अगर इसका सेवन करने से आपको कोई समस्या होती है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इसे अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी चीज का सेवन अगर हम जरूरत से ज्यादा मात्रा में करते हैं तो वो हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं कि अधिक मात्रा में सीताफल का सेवन करने से क्या नुकसान होता है। फ्रेंड्स, सीताफल में फाइबर और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, तो अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में सीताफल का सेवन करते हैं तो इससे लूज मोशन, उल्टी, चक्कर आना, पेट दर्द और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो उन्हें सीताफल के अधिक सेवन से नुकसान हो सकता है। इसका कारण यह है कि सीताफल में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है जो समस्या को और भी बढ़ा सकती है। सीताफल का जरूरत से अधिक मात्रा में सेवन करने से वेट गेन की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें कैलोरी अधिक मात्रा में होती है तो ये मोटापे की समस्या को और भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सीताफल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर आप इसका सेवन जरूरत से ज्यादा मात्रा में करते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम और बुखार हो सकता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।